एनएसएसी के गरीब परिवार की लड़की जो बचपन से ही पोलियो के कारण ठीक से चल भी नहीं पाती थी, उसने सपना देखा कि वह दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती है, जिसने 13 साल की उम्र में अपनी पहली दौड़ में हिस्सा लिया। लेकिन वह बुरी तरह से हार गई। लगातार 4 बार हारने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जब उसे 1960 के ओलंपिक में दौड़ने का मौका मिला तो उसने 100 मीटर की दौड़ में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिसके बाद 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जिसे दुनिया विल्मा रुडोल्फ के नाम से जानती है। दोस्तों, यहाँ पर सीखने लायक बात यह है कि जिसके सपनों में जान होती है वे लोग कभी हिम्मत नहीं हारते। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।